लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 19 तारीख को राहुल आंगरे मेरे शॉप में आए थे, दारू के नशे में थे वो, और उन्होंने मेरे से सबको बाहर निकाला, उसने सब कस्टमर्स को बाहर निकाला उसने, और मेरे को पूछा तू भाई से मिला क्या, तू भाई को जानता है क्या, तूने भाई को हफ्ते के बारे में पूछा क्या, खंडनी के बारे में पूछा क्या, वो सब मैंने मतलब उनको कुछ बोला नहीं वो टॉपिक पे, उसमें मैंने मतलब वो टॉपिक ही निकाला नहीं मैंने उनके सामने। मैंने उनको पूछा उल्टा कि भाई कौन करके, तो आप तो उसने मेरे कान के नीचे बजाया और बोला कि आप नेरुल में रहते हो तो नेरुल में ही धंधा करो, यहाँ पे आके धंधा मत करो। क्या उसने उसका जो ये आपके साथ मारपीट हुई राहुल आंगरे ने किया, क्या ये अनु आंगरे के इशारे पर किया गया, उसके कहने पर किया गया, या इसलिए किया गया कि आप हफ्ता दो उसके बाद ही अपना वीडियो पार्टनर गेम चला? अभी वो तो नहीं बोल सकता उन्होंने बोला करके, लेकिन उनका फोन तो आया था दो हफ्ते पहले कि तुमने अभी तक हफ्ता स्टार्ट क्यों नहीं किया है, ठीक है, तो फोन आने के बाद भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया वो चीज़ के ऊपर। तो 19 तारीख को ये घटना घटी, फिर उन्होंने मेरे कान के नीचे बजाई और मेरे को बोला कि तुमने भाई से मिला क्या, तुम हफ्ता चालू किया क्या तुम, और तुम जानते हो क्या भाई को, ऐसा पूछा मेरे। कितने के हफ्ते की डिमांड उसने की थी और कब ये बातचीत आपकी हुई थी जिसके दो हफ्ते पहले हुई थी? दो हफ्ते पहले मेरी भाई के साथ अनु आंगरे के साथ बात हुई थी, 50,000 की उन्होंने मेरे को, महीने का 50,000 तू हफ्ता दे और धंधा कर, ये बात। तो अब आपने जो पुलिस कंप्लेन की है किन किन के खिलाफ ये पुलिस कंप्लेन हुई? राहुल आंगरे के उन्होंने थे कान के नीचे बजाई है, तो उनसे उनके पहले उनके बारे में तकरार की है पहले, फिर उनके बाद अनु आंगरे और उनके कुछ साथीदार है, राहुल आंगरे के कुछ साथीदार है उनके ऊपर भी तकरार ये की है मैंने, दर्ज की है। अब आपको क्या लगता है कि कंप्लेन होने के बाद कोई किसी तरह की धमकी आई है कि यहाँ पर आप धंधा करो या ना करो, किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई थ्रेट्स आपको मिला है क्या? नहीं नहीं, मेरे को कुछ मतलब उसके बाद कुछ कॉल नहीं आया, मतलब मैं आज तो मैंने दुकान शॉप ओपन ही नहीं किया है, कल किया था लेकिन कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं, मतलब धमकी वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं मेरे को अभी तक। तो क्या आप अनु आंगरे या राहुल आंगरे से इतने डर गए हैं कि आपने दुकान बंद कर दिया है कि कोई और कारण है आप इसके पीछे? डरने का बात मतलब अभी हफ्ता बोलेगा तो दुकान थोड़ा सा बंद ही रखना पड़ेगा ना, हफ्ता बोलेगा तो फिर नहीं होता है ना, बैच से पैसा लिया है सामने वाले से तो पैसा भी रोलिंग के लिए चाहिए मेरे को, हाथ में भी कुछ रहना चाहिए उनको हफ्ता देने के लिए, ये सब बातें हैं इसलिए चालू नहीं किया। तो क्या ये सिर्फ आपके साथ इस तरह के हफ्ते की डिमांड हुई है या दीघा में और भी ऐसे दुकानदार हैं और भी सर्विसमेंट हैं जिनसे इस तरह की मांग हो रही होगी? पहले भी बहुत बार ये सब कुछ हुआ है, पहले भी न्यूज़ में वगैरह भी तो आता ही रहता है कि खंडनी वगैरह का विषय, वो तो चालू ही रहता है दीघा में, तो चालू ही रहता है खंडनी वगैरह का विषय, तो ये मेरे साथ भी हुआ है। क्लियर जवाब दी, क्लियर जवाब। क्या राहुल आंगरे और अनु आंगरे ने इसके पहले कोई आपके अलावा भी कुछ लोगों से हफ्ता लेते हैं क्या, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? जानकारी मतलब अभी यहाँ रहता हूँ तो मेरे को दो लोग तो बताएंगे ना, तेरे को उधर हफ्ता जाके देना है करके, दुकान चलाना है तो ये तो सब लोग बातें बताते ही है, तो उन्होंने मेरे को भी पूछा है तो मैंने बता दिया उनको नहीं देने का, ये बात। अभी 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 अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है अनु आंगरे का, तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अभी पुलिस के ऊपर डिपेंड है, एनसी तो किया हुआ है मैंने और ये एनसी है मेरा और कल एफआईआर भी दर्ज किया है मैंने, तो आगे पुलिस जो कर रही है वो उनका काम आगे करेगी।